रामुजार आवे सा ओकर जेके कह है पकड़ ते भरी ले सा चली जाए हाले मुजार हां वो भी तो पैसा खा के चली गई ना ऊपर आएंगे विधायक जी तो रहते रहते हम लोग के आंख के सामने आंख का तारा छीनने का काम किया ये जमीन हम लोग का आंख का तारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है कभी उसका बीवी तेल लगा कर में तो सिया कर पकड़ भरी गले मुजार का नहीं होगा तो इसके बाद हम लोग अगला कदम लेंगे हम लोग हुड़का जाम करेंगे जितना भी गेट है एसएससी का सारा गेट पढ़ाई तो पूछिए ही मत अभी हम लोग का पेट चलाने के लिए पैसा नहीं है पढ़ाई के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते इंसाफ दिलाएंगे और दिला ही रहे हैं झारखंड सारे लोग रहते हैं यहाँ पे लेकिन यही कारण है कि एसएससी कंपनी ने सबको धमकी दे के रखा है कि कोई वहाँ पे दिखेगा तो उसको बैठा दिया जाएगा। नमस्कार जोहार आप देख रहे हैं पोंगा ब्लॉग और आज और एक दुर्भाग्य की बात एसएससी द्वारा 20 मजदूरों को हटाया गया है जो कि 2021 में हटाया गया था और उसी का आंदोलन कर रहे हैं जेबी के साथ का बेनत तले किस कारण हटाया गया था और आज लगभग 8 दिन हो चुका है आंदोलन का और आइए जेबी के साथ काशिश मातो और ग्रामीण लोग हैं उन लोग से बातचीत करेंगे क्या कितना दूर पहुंचा मैटर। जोहार जोहार आपका नाम क्या है? रजनीकांत मातो। आप ही को हटाया गया है? हाँ हम लोग 20 आदमी को इस प्लांट से हटाया गया। तो वो गेट से अभी तक वार्ता के लिए आए हैं कोई? नहीं कोई नहीं आया अभी तक। कारण क्या था हटाने का? कारण हम लोग का यही था कि ग्राम का जो नया प्रोजेक्ट आया था उसमें हम लोग माना ग्रामीण मजदूरों को बाहर से मजदूर ला रहे थे और हम लोग पुराना आदमी होकर हम लोग को थोड़ा ख़राब लग रहा था देखने में सोचने में भी कि मेरा गांव में बेरोजगारी बढ़ रहा है और कंपनी हमको कुछ पल के लिए अपना दलाल टाइप का सोचते थे कोई भी झगड़ा झंझट होता तो हमको बुलाने का ही काम करते थे तो उसी पर लोगों ने हम कंपनी से कुछ से जाकर बात किए कि सर काम ही तो मांग रहा है क्यों गाँव का लड़का झगड़ा कर रहा है काम में रख लीजिए। तब हमको कुछ उस समय पाठक सर थे PM और संतोष कुमार यादव थे सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज वो हमको बोले कि काम कीजिए ठीक है हम सबको बोल देते हैं लड़का लोग को बोलिए झगड़ा झंझट नहीं करेंगे और हम लोग 5-5 आदमी करके सबको एंगेज करवा दीजिए। उसी के तहत वही बात रखने गए हम लोग माने प्रोजेक्ट आया था तो उसके बाद हम लोग को मेरा बात को नहीं रखा तो ये लोग वही आधार में हमको नेता मान के आज हमको बोलते हैं कि कंपनी के आदमी हम नेता बन गए हैं। अच्छा बताइए मजदूर लेवल का हम आदमी है खटना खाना जानते हैं हम इस जगह पर काम करते थे जहाँ एक बोरा लोड करते हैं तो हम कंपनी से एक ही बोरा का पैसा लेते थे हम लोग तो अच्छा बताइए अगर हम लोग इस जगह पर काम करते हुए आज सुनने में आ रहा है कि हम लोग नेता बन गए हैं अच्छा बताइए नेता हम लोग मजदूर को क्या अगर हम नेता बनते तो हम एक बोरा का पैसा लेते नहीं अगर नेता हम बनते हैं तो शायद मेरा आज यहाँ ठेकेदारी रहता प्लान में आधा हिस्सेदारी रहता आप मेरा पूरा पंचायत को निरीक्षण कर लीजिए आपके माध्यम से कि अगर मेरा पंचायत में अगर माने पूरा पंचायत में निरीक्षण कर लीजिए कि ना किसी को ठेकेदारी से मतलब है ना प्लांट से माने रंगदारी से मतलब है ना किसी को ट्रांसपोर्ट से मतलब है हम लोग मेरा पंचायत का सीधा साधा भोला भोला ग्रामीण खटना खाना जानते हैं वही मांगना ही हम लोग को माने देशद्रोही का ई मिला है और वही आधार से हम लोग को बैठा दिया गया। कब बैठाया गया था आप लोग को? हम लोग को 30 नवंबर 2020 से हम लोग बैठा गया है। तो आप लोग आगे आंदोलन वगैरह नहीं किए थे क्या? हाँ आगे हम हाँ आगे हम लोग बातचीत सब चीज़ किए हैं पेड़ में गिरने का भी यहाँ का जो प्लांट का यूनियन हेड है उससे भी हम लोग पेड़ में गिरने का काम किया है कि जो भूल चुक हुआ हम लोग को क्षमा किया जाए ठीक है अपना हक अगर मांगना है हम लोग का इतना बड़ा गुनाह है तो हम लोग आज के बाद नहीं मांगेंगे हम लोग पुनः काम में रखा जाए। लेकिन पता 9 महीना से हम लोग यहाँ के यूनियन से भी हम लोग मुलाकात किए 9 महीना से उसका साथ मैंने हाथ जोड़ने का काम भी किए लेकिन हम लोग के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो कोई पार्टी के पास गए थे क्या इसके लिए? हाँ पार्टी तो खैर हम लोग झारखंड में ऐसा कोई पार्टी नहीं बचा है कि हम लोग उसके पास गए नहीं लास्ट में हम लोग हार चुके थे हम लोग माने सिविल काम में सिविल राजमिस्त्री के साथ कोई पंडाल में काम करने के लिए बाध्य हुए तो हम लोग एक दिन बेलियापुर से पार हो रहे थे तो उस समय उषादी और आशीष दा जो जेबी केसेस के जो रहता है उससे हम लोग भेंट हुआ भैया लगते हैं तो हम लोग उन्हीं के पास अपना दुखड़ा रखे तो उसी के आश्वासन से हम लोग जेबी केसेस के बैनर तले आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं ताकि हम लोग को न्याय मिलेगा। और यहाँ के विधायक आए थे क्या आप लोग को एक भी दिन यहाँ जो कि 8 दिन आज होने वाला है? नहीं नहीं विधायक सांसद इन लोग को तो शायद मेरा ख्याल से पता भी नहीं होगा कि इन लोगों को माने पता भी नहीं होगा कि हम लोग धरना से बैठे हैं शायद पता नहीं आप लोग किस तरह माने TV में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं कि आज तक जू तक नहीं आया कान पर 8 दिन से आंदोलन चल रहे हैं तो इसमें तो हमको लग रहा पता ही आसपास हम तो देख रहे हैं इधर विधायक घूम रहा है तो अभी तक उन लोग को तो मालूम चला गया होगा। देखिए मालूम चलने से तो जरूर आते हैं देखने के लिए लेकिन हमको नहीं लग रहा और आएंगे कैसे आएंगे किस आधार पर आएंगे विधायक जी तो रहते रहते हम लोग के आँख के सामने आँख का तारा छीनने का काम किया है
ये ज़मीन हम लोग का आँख का तारा था, हमारे बाप दादा माने FCI को दिए थे, लेकिन हमारे बाप दादा रहते हुए भी 70 साल इस ज़मीन से हम लोग खेती किए हैं। इसी खेती के घमंड से आपको यकीन नहीं आएगा, 1900 माने जिस समय FCI प्लांट बैठे थे तो एक FCI का परमानेंट कोई अफसर आए थे हमारे गांव में, तो एक बुजुर्ग को बोले थे कि चलिए अंकल आपको काम में लगा देंगे, आपको परमानेंट कर देंगे। तो मेरा दादाजी बोले थे, हम लोग बुजुर्ग आदमी थोड़े बोले थे कि अरे साला भागबे कि नहीं, तो इनकी परमानेंट करबे, ऊपर वाले कर लेंगे तो तौर की औकात होते हमको परमानेंट करबे। तो हम लोग का खेती में इतना ज़्यादा गुरूर और घमंड था कि हम लोग इतना बड़ा बड़ा कंपनी को, हम लोग इस मेरे बाप दादा जो ज़मीन दी थी इसलिए दी थी कि सारा मान दुनिया का विकास होगा हम लोग का ये ज़मीन से, ताकि यूरिया बनेगा, हम लोग खेती किसान आदमी है, हम लोग का खेत हरा भरा रहेगा, इसका धुआं भी गिरेगा तो हम लोग खेत हरा भरा रहेगा। क्या लगता है जयराम महतो न्याय दिला सके? उसी उम्मीद के सहारे हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग को जयराम महतो न्याय दिलाएंगे। आपका नाम क्या हो? संज्योति देवी। आपका कौन मतलब रिश्तेदार कौन हटाया गया? मेरे पति को। पति को किस कारण हटाया गया था यहाँ से? बस इसी कारण अपना हक मांगने के लिए गया था। और यहाँ से कोई प्रबंधन आए हैं बात करने के लिए? नहीं अभी तक तो नहीं आए, हम लोग 8 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं भूखे। क्या लगता है आप लोग को न्याय मिलेगा? हाँ मिलना चाहिए। और अभी तक मतलब प्रशासन वगैरह कोई आए हैं आप लोग के हालचाल देखने के लिए? नहीं कोई नहीं आए। क्या लगता है जयराम महतो आप लोग को न्याय दे लाएंगे? हाँ ऐसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि जयराम दादा आएगा, हम लोग को न्याय दिलाएगा। इतना डस्ट वगैरह उड़ रहे हैं तो इसमें आप लोग आप 8 दिन से किस तरह से महसूस किस तरह से कर रहे हैं? कोई कोई बीमार भी हो गया है वो भी सुनाई मिला? कोई 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 हम लोग सभी बीमारी है सभी कोई। हाँ अधिकतर 3-4 लेडी बेड भी पड़े हैं और हस्बैंड। तो क्या लगता है आप लोग के घर में अभी तक मतलब 2 साल हो गया बिठाया हुआ, कैसे 3 साल ना? जी हाँ। किस तरह चल रहा है अभी? वही चल रहा है, सरकारी चावल दे रहे हैं, मार बात खा रहे हैं आ रहे हैं। सरकारी चावल से पेट भरेगा जी? इतना लगा पेट नहीं भर रहा है, कहाँ भरते तो नहीं आते हैं, अगर भर जाते तो यहाँ बैठते हैं धरना पर। तो क्या लगता है कोई आएगा वहाँ से? हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि ऐसे कोई आने वाला है। और आप लोग का जो कि विधायक इंद्रजीत महतो वो आए एक भी दिन देखने के लिए? इंद्रजीत महतो तो कहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसका बीबी तेल लगा कर घर में सोया हुआ है। वो कोई नहीं मतलब आप लोग JBKSS का जयराम महतो को उम्मीद कर रहे हैं, वो आएंगे क्या? पूरा विश्वास है आएगा JBKSS। सुनीता देवी मतलब क्या मामला है यहाँ आपका, कौन बैठाया गया है? पति ना? मेरा पति है। तो किस कारण बिठाया गया था? कारण यह है कि हम लोग अपना हक और अधिकार मांग रहे थे, बस और कुछ कारण नहीं, अपना हक और अधिकार मांगना ही है, SSC का गुनाह हो गया है, हक और अधिकार मांगने के लिए ही गए थे, इसी कारण ही बैठाया गया है। तो क्या लगता है हल होगा इस मैटर? हल होगा कैसे नहीं होगा, जब इतना दिन से 1 सप्ताह से हम लोग बैठे हैं JBKSS के बैनर तले हम लोग बैठे हैं, हल होगा ही, और दादा आएंगे ही, आशा है उम्मीद है। हमको तो लग रहा शांतिपूर्ण धरना से नहीं होने वाला है, तो 8 दिन आप लोग का आंदोलन हो गया, नहीं तो गेट से कोई बात नहीं, नहीं होगा तो इसके बाद हम लोग अगला कदम लेंगे, हम लोग हुड़का जाम करेंगे, जितना भी गेट है SSC का सारा गेट जाम कर देंगे। तो अभी तक तो देख रहे हैं प्रशासन वगैरह भी कोई नहीं आया? नहीं अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया है, मतलब उधर से SSC पर उधर से कोई पूछने ही नहीं आया है कि आप लोग का 1 सप्ताह से बैठे हैं, आप लोग का क्या हाल है, क्या खा रहे हैं, कैसे आप लोग रह रहे हैं, इतना ठंड दे रहा है, ठंड में कैसे रह रहे हैं, मतलब उधर से कोई पूछने तक भी नहीं आया है। तो कल आए थे CEO साहब, वो क्या बोले? हाँ उन्होंने बोले कि कल हम दीजिए आप लोग का क्या मांग है, क्या ये कर रहे हैं, दीजिए हम वार्ता करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलेंगे। और आप लोग का बच्चा को पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हो रहा? बोल रहे पढ़ाई में डिस्टर्ब तो पूछिए ही मत, पढ़ाई के बारे में पूछिए, बच्चा को हम लोग पेट भर का खाना नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई तो छोड़िए दीजिए, 2 वक्त 3 वक्त में कम से कम 2 वक्त दे पाते, 1 वक्त ऐसे ही बच्चा सो जाता है। विनोद बाबू का नारा भी तो आप पढ़ो या लड़ो। हाँ यहाँ तो हमको लग रहा पढ़ने में लड़े रहे हैं आप लोग, खाली लड़िए रहे हैं, अपना हक और अधिकार मांगने जा रहे हैं, अगर वहाँ तो बस हम लोगों पर झूठा केस करके फंसाया जा रहा है, और अगर अगर यहाँ पर अगर अगर कोई मजदूर काम भी, हम लोग के क्या था अधिकार था हम लोग के, जैसे हम लोग क्या मांगने के लिए गए थे, जो जो रेट था जितना मतलब मजदूरी का, जैसे मान लीजिए 500 रुपया दिया जाता, लेकिन उसमें भी से 300 रुपया दिया जाता था, 300 रुपया दिया जाता था तो उसी से हम लोग किसी तरह ही करते थे, वही मांगने के लिए गए और क्या। और
क्या लगता है जयराम महतो आप लोग को न्याय दिया? एकदम दियाएंगे। जेवी केसेस से हम लोग का पूरा आशा है और उम्मीद है। जेवी केसेस के सभी साथियों से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जैसे हम लोग का ये मतलब न्याय जैसे मिले। कारण हम लोग का कारण वही है, अपना हक अधिकार मांग रहे थे, बस उसी कारण हम लोग को बैठाया गया है बेवजह। दो गेट से अभी तक कोई आए हैं? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। क्या लगता है जयराम महतो आप लोग न्याय दिलाएंगे? ये तो पूरा भरोसा है हम लोग को। जयराम दाई हम लोग का कुछ कर सकते हैं, बाकी सब नेता के पास तो गए हैं, कोई कुछ नहीं किया। एगो यही है, हम लोग आशा लेके बैठे हैं कि जयराम दाई हम लोग को इंसाफ दिलाएंगे और दिला ही रहे हैं। झारखंड में सभी फैक्ट्री सभी देखते हैं, प्लांट में सभी वही सबको ही कर रहे हैं, तो हम लोग भी उम्मीद लगा कर ही बैठे हैं कि हम लोग को भी कुछ ही करेंगे। सबको हटाए, ग्रामीण को हटाया जा रहा है इसमें क्या? हाँ, यही तो शोषण करके रखा है पूरा एकदम। ऐसी फैक्ट्री मैंने पूरा परेशान करके रखा है सबको, मैंने छाता तड़ वाला को जैसे देखना ही नहीं चाहता है। वो तो ग्रामीण का इथी से ही हो रहा ना। आप लोग छूट दिए हुए हैं कंपनी को पहले से छूट, वही तो जो ही आगे उठता है कोई कुछ बोलता है तो बस उसको बैठा दिया जाता है। डर के मारे सब चुप रहता है, सबका बाल बच्चा है, सब सोचता है कि हम बाल बच्चा देखेंगे ना, अभी अपना सब अपना काम में ही लग जाता है। अभी जैसे धरना में कितने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन यही कारण है कि ऐसी कंपनी सबको धमकी दे के रखा है कि कोई वहाँ पे दिखेगा तो उसको बैठा दिया जाएगा। तो इसी कारण हम लोग को यहाँ आदमी भी कम दिख रहा है, सब डरा हुआ है। क्या लगता है शांतिपूर्ण धरना से होगा? नहीं होगा तो हम लोग भी जेबी किसेस का पावर दिखाएंगे। हम लोग का जो जेबी किसेस का सदस्य है सब कोई बोल ही रहे हैं कि नहीं हम लोग पहुंचेंगे, आप लोग उनका जाम कीजिए, जरूर कीजिए। ये तो हक अधिकार का बात है, हम लोग कोई अपना दलाली नहीं मांग रहे हैं और अपना कोई वो अपना बाप का कुछ नहीं देगा, जो देगा हम लोग का अधिकार है इस सब, इसीलिए मांग रहे हैं। और देंगे क्यों नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे, जाएंगे कहाँ बाहर ही, और यह छपरा सब यहाँ आगे बस गया है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग तो अपना बाप दादा का माटी है ये सब, ये तो हक जमाना। हम लोग अभी हम लोग नहीं लड़ेंगे तो आगे चल के बच्चा सबको क्या होगा, बच्चा सब क्या करेगा, वो लोग क्या करेगा। अभी हम लोग लड़े मरे चाहे जो हो, हम ही लोग इनका हम लोग सब कुछ करके ही जाएंगे ताकि बच्चा सब खुशी से रहे, खुशहाल रहे। 3 साल पहले तो ये मैटर उठा था, तब वार्ता हुआ, तो वार्ता में क्या हुआ था इसमें? तब कहाँ वार्ता हुआ है, बोरा तो कौन सोरेन को आए थे? ओ, सीता सोरेन थी। हाँ, सीता सोरेन। हाँ, वो भी तो पैसा खा के चली गई ना डकार मार के, वो भी चली गई। हाँ, अरे नाम की लो तोर? शांति देवी। शांति देवी। हाँ, कि अखन तक कोई विधायक वगैरह आयलो ना? कोना मजा ना कोई नहीं, कोई नहीं ना। हमारे जे चार दिन भूखे मर रही है के हमरा के भाली देखो कते कष्ट कर रही है। तो तोरानी तो वोट दे के विधायक के जीता ला, तो कोई विधायक अगन भले सा है, वो तो राजा बन गए तो मरे भूखे हैं। आज जे अखन गिदर ला हमरा धन्ना है, 8 दिन गिरी हत हद गिदर के जर आ गेल है, केवल भाली देखो हत केव नहीं भलो हत, तो इतक विचार हेते ना नहीं हेते तो कोना मुह जा रहा है सा ओकर जगह कह है पकड़ टाइम भरी ले सा चली जाए खाए ले मुजा। हाँ। कोना मुजा रे हमरा करवा नहीं करे छी करबे हमरा के जिसम गरीब के सतास ना। कल तो सीओ आइले, तो सीओ कर पकड़ भरी गेले मुजा रे कर सीओ कर भरी गेलो। हां नाले ए तुम कवर नहीं दे चले हमरा के, तो कल की कहले कल केते बजे बात होतले? उठा तो कल 3 बजे। हां कहले 3 बजे करुले। देखन कितना टाइम हो गेलो, लगभग 4-5 बजे। 4 बजे लगले की लागो आय बता है तो आशा तो हमने रखो लहे एबरे जयराम दादा हमरा केबरे जे करे। तो तोरानी तो विधायक इथिन के ने वोट दे दे के डाको फीता काटा है उगली, तो आकरे गलती वो तो मोरा सा है। ओह जे हमरा नौकरी टका खला मोरा सा है, तो मोसड़ा सा है, तो हमरा के कांदा होलै। हां हमरा के कांदा होलै तो ओकरो में चला कांदा होथि आरो कांदबो थी। अखन तो कोई आइला है? अखन केओ नहीं आइला। तू जे आओ जे नेता चमचे मतलब इन तो पॉकेट भरी दो मैनेजमेंट, तो हमरा के जा सबसे दिक्कत। 3 साल से जे गिरर गेले झूलो होती इतना ऐसे, आज हम लोग 10 दिन बेस ले गेले 8 दिन, लेकिन आगु सुन बसते, लेकिन एखनो पर्यंत कोनो आइला मैनेजमेंट एक लोग आइलो तू ना, आबार कोनो नेता आइले जके हमरा नि मने बनाल गेल रहते देल गेल रहते, गरीबी तो बनाई है। तो तोरानी चुनी चुनी वोट दिलाए ओकरा फीता काटे ले डाका तोरानी फेर कोला कतरा गांव है ओ माऊ फंडा का
हमारा गलती नहीं के हमारा जानकारी नहीं के कुछ है राता रात भीतर डोजरिंग कोई ले लेला जे के बाड़ी गिले हमारा दो बार सब्जी होले धान होले से जगह तो वही ले ले लेले अधिकारी हमारा किधर गिले खोजो है ना को हमें नहीं बापे के दंड खोजिए आरा छपरा से आखिर ओकरा राज दिए हमारा गाँव के कई लोग देखाते हैं देखा हमें तो ओकर दंड नहीं खोजिए जेता ही हमारे खेती है बोले से खेत तो नहीं रोजरिंग कोई दिले आज हमारे किधर तक भविष्य आगो हेने वाला रिटा कि हती से बात तक हो कोई कौन ठीक से यहीं कहते प्रशासन एको दिन आइलो ना प्रशासन नहीं अल क्यों नहीं अल हमरा के क्यों पूछो क्यों नहीं को नहीं हमरा नहीं बेचते एकदम बे करिए हेटी कल तो सीओ आइले कहले वार्ता करबो वार्ता तो कर लो एक बजे ही हम तोरा के कही देबो लेकिन एखन तो एखन कोई याद है झोला भरी सुरकेश भरी चली गेलो एकदम सीसीओन जदि नहीं बोलते गरीब के क्या है नहीं टाइ कर ली जे आज इतना लोग शरीर खराब हो गए तीन तीन जन सलाइन चापले एबार हमरा नहीं तो हुड़का जमे तो एबार तो हमरा के भूख हटता बस चलो तो हमरा किने गति हेते तो आर देखल जाओ जेरा मातो आइ तो क्या लगते थे न्याय दिला तो ओन दियाते ये दियाते ओकर उम्मीद हमरा ने ये करे ये ओकर इथी तो हमरा बेस होला यार हमरा कोनो नेता नहीं एकमात्र जयराम दादा जे कौन गिदर के वही बुद्धि ओकरे इथी हमरा नहीं बेस होल यार हमरा केहू नहीं के गोटा इथी करो तो हमरा भला नहीं करते नहीं करते तो नहीं करते उम्मीद हमरा नहीं ओकरे रखल आर हमरा गिदरा के माने गाँव घर सब कह माने तोरा नहीं जा की लगते शांतिपूर्ण थाना एसएससी वाले सुनतो नहीं सुनतो तो कौन हुड़का जाम करके है आर की करबू मरना आए छोड़ना आए तो हमारा नहीं गिदर गिला की कर बे वहाँ मर बोए जब हमारा नहीं गिदर के जन्म देखो नहीं अगुआ ले नहीं पाल लिए और हमारा को अधिकारी वहाँ छीनी लेते बाहरी अलग के तो हमारा नहीं कहाँ जाबू और हमारा क्या तो नहीं कौन टी कर तो ई सर अपना तो जरूर लगते गरीब के एगो लोग दान दक्षिणे दे देखा गरीब जहीं भी आए अमीर एक जे तो कि हमारा कुकुर सा चला तो मैंने भीख मांगो यो है से चलते तो इतना ही देखा तो टका गर्मी आओ मारियो देते हम यदि बेस बेस को लेसन तो हमें को प्रशासन ने ढड़ा दे तो गाड़ डुकाई दे तो का की करे खेते एक बार तो मारी पेड़ की गेला उठाओ सुने ले प्रशासन या बेस थाल मना कर ले तोरा हां हमरा के तो रात के भीतर किधर लगे तब आज हमरा ने ओके नोटिस दुबार दुबार करल गेला जेटा से किधर के सुरक्षित मते डाकेली हमरा जिन ने नोटिस संख्या ने भेजो और हम दुबार कोरी खुना जमन बेसी है 8 दिन से ता मैनेजमेंट का घुमाई ले कौन घूमे घुमा ले कंटेंट हो कौन ले ले ताले किधर के माने ना कर लिए ना खाली एक रख वालो हमरा ने कहां से किधर के शिक्षा देबू जब एक दिन जकर घर एक तो इतनी काम नहीं करो होई आदमी तकर घर कैसे जा रहा तीन साल लॉकडाउन है हमरा कैसन को खून बीतले और कौन इतनी समस्या ले किधर के हमरा पहुंच चल गेले ए किधर के छुटू छुटू ले आज एक रख पढ़े लिखे के समय सरकारी स्कूल कहां पढ़ाए वो एक रख कमाई नहीं तो एक रख कहां से पढ़ाबो थी किधर के भालो स्कूल पढ़ाते तब ना भालो छिच्चे आते उल्टा भाषण कोई ही देता तो कौन एक अन्य अन्य बोझ के जानो ढेर तो ई सर अपना तो कर लगना या है तीन साल से जो कि बेसाई गले तो खाना अखन तो काम काम पगर कहां पाते काम एक तो धरल काम में बेसाई तो खन कहां पाते है किधर के है वो ऐसे कहां से उम्मीद पाते जो ओकरा कोने काम में लगाते एते कासे हमरा कारखाना रहते और किधर कहां जाते काम कर ले हट हम को कहाँ से काम बताए देते और की करते गिदर गिला आधा दिन खाटी खाटी शरीर गिला दास गांधे ककरो आँख खराब होते कान खराब होते एबार ओकरा के कोने लेते ए वो ऐसे एबार नौकरी कौन ये सबसे बात की गारा महीने से अब आशीष दास से बात करते हैं जो कि अभी देख सकते हैं लेटे हुए हैं 8 दिन से इसका भी बैटरी डाउन भी हो चुका है लग रहा है आशीष मास्टर का दादा जोहर हाँ जोहर जोहर बोले लेटे हुए हैं क्या देख रहे हैं यहाँ डस्ट जो है कंपनी का डस्ट खा खा के तबीयत हम लोग का भी बिगड़ गया है इसीलिए लेटे हैं अभी तक कोई प्रबंधन आया कि नहीं ना ना अभी कोई प्रबंधन नहीं आया है और हमको नहीं लग रहा है ऐसे आएगा लेकिन हम लोग संवैधानिक तौर पे जो है लड़ाई लड़ रहे हैं क्या लगता है इसे मतलब आप लोग आंदोलन करने से चुपचाप कोई आएगा वहाँ से बात करने नहीं लग तो नहीं रहा है कि आएगा लेकिन देखते हैं हम लोग भी प्रयास में लगे हैं अब आगे हम लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगे 8 तारीख से उसके बाद भी अगर नहीं आता तो फिर तो लास्ट है ये है गेट जाम करेंगे आगे आप लोग का रणनीति मतलब क्या रहेगा इसमें आगे का रणनीति यही है कि हम लोग जो है 8 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं सुना गया तो फिर हम लोग जो आगे जो है लास्ट हम लोग का है कि अनिश्चितकालीन जो है गेट जाम कर देंगे
कल तो सीईओ भी आए थे, सुने थे कल वार्ता होगा, आज होने वाला था, क्या हुआ अभी तक? सीईओ साहब कल आए थे, यहाँ से सब जानकारी लेके गए और बोले कि जो है प्रबंधन से जाके बात करेंगे, तो आज उनसे बात हुई, वो बोले कि आज वो जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्त है, आज हम समय नहीं दे पा रहे हैं।